पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अभी से सियासी माहौल तैयार हो गया है। सियासत की लड़ाई सिर्फ जुबानी हमलों तक ही नहीं बल्कि पथराव तक आ गई है। बीजेपी के नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर आज डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला किया गया। बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। पत्थरबाजी की इस घटना में विजयवर्गीय और उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वो दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की जिससे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। वहीं कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हुए हमले पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला वो अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड अ स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडा राज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। बता दें जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाए सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने अमित शाह जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।